अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं टिन वाली फिश, और ये पिलचेट के नाम से है। यहाँ पर टमाटो सॉस देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो मैंने कहा कि ये जो है एक तो क्विक भी है, और अपने मैं जो है व्यूअर्स के साथ आज ये मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगा। तो ये पिलचेट की इस तरीके से टिन से जब निकलती है, तो इसके अंदर जो है ये जो बारीक से कंडे होते हैं, तो ये इसको मैं सारों को साफ कर लूंगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरीके से होता है। तो इसको आपने साफ कर लेना है मच्छी को। तो हमने जो है 1/4 कप ऑयल का लिया है, 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है, और तकरीबन 5 के करीब हमने हरी मिर्च को बीच में से काट लिया है, और साथ ही देख सकते हैं हरा धनिया, इसको भी हमने काट लिया है, और तकरीबन हमने जो है 4 छोटे टमाटर जो है उनको हमने चॉप कर लिया है। ये बहुत ही छोटे टमाटर थे इसलिए। और यहाँ देख सकते हैं हमने 1 टेबलस्पून जीरे का लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक का लिया है, और 1 टीस्पून जो हमने घर के बसार मसाला जो हल्दी, जिसमें हींग भी होती है इसमें शामिल ही ऑलरेडी। और ये बहुत ही मतलब है कि इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी मेरी यूट्यूब पर। और ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, और 1 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया, और ये हमने तकरीबन जो है 2 प्याज के अच्छे तरीके से काट लिया देख सकते हैं, और साथ ही हम लेमन जो है यूज़ करेंगे। तो चले मेरी ये रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं, तो आए मेरे साथ। तो जी चले हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गैस मैंने ऑन कर दिया है, और हम अब ऑयल डालेंगे सबसे पहले। जैसे हमारा थोड़ा ऑयल गर्म हो जाता है, तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं जी, हमने ऑयल डाल दिया इसमें माशाल्लाह से। और सबसे पहले जो है, जैसे थोड़ा सा हमारा तेल ये गर्म हो जाता है, तो हम उसी हिसाब से अपने जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने गैस ऑन करके तो गर्म कर दिया था, तो साथ ही मैंने ये ऑयल जो है अब साइडों पर लगा दिया है ये। तो अब हम जो है जीरा डालेंगे सबसे पहले। ये जीरा हम डाल देते हैं, ये देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया है माशाल्लाह। तो ये जैसे हमने जीरा इसमें डाला है, तो हम प्याज डाल देंगे तकरीबन बस, और 10 सेकेंड में हम प्याज इसमें डाल देंगे। चले जी, हम इसमें आप अपना प्याज ये डाल देते हैं। प्याज को हम जो है लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, तो तकरीबन ये जो है लग जाएंगे हमारे 4 से 5 मिनट। तो हम जो है इसको आपके पास आते हैं 4 से 5 मिनट में। जी देख सकते हैं, हमने ये जो मच्छी थी टिन की, उसमें से जितने भी ये कंडे थे सारे हमने निकाल दिए। ये बहुत बारीक होते हैं, तो आपने बड़े एहतियात से इनको निकालना है। तो चलो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये इसको किस तरीके से क्लीन किया जाता है। जी देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो इसको जो है हम 1-2 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो ये इस तरीके से, और इसी स्टेज पर हम जो है हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तो माशाल्लाह से जैसे हमारे ये हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा भून लेंगे, तो उसी के साथ ही हम जो है अपने मसाले जो है पहले डालेंगे। जी माशाल्लाह से देख सकते हैं हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, तो वो अच्छे तरीके से हमारा भून गया है।
तो अब इस स्टेज पे हम सूखा धनिया और नमक और ये जो हमारा घर का मसाला है बसार, ये हम डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और कसूरी मेथी हम बाद में डालेंगे, ये हमने बचा ली है। तो अब हम इसको पकाएंगे माशाल्लाह से। तो आग पहले मैंने जो है हल्की कर दी थी, तो अब मैंने फिर जो है आग को दरमियानी मीडियम कर दी है। तो ये देख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें जो है पानी डाल देंगे। माशाल्लाह से हमारे जो मसाला जो है ताकि जले नहीं। तो बहुत ही अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है, तो हम अच्छे तरीके से मसाले को जो है 2 से 3 मिनट में भूनेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जी माशाल्लाह से जो हमने मसाले डाले थे अच्छे से भून दिए हैं तकरीबन 3 मिनट, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब इस पॉइंट पर हम जो है टमाटर डाल देंगे। ये सारे हम टमाटर इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप किए थे। तो इनको हम अच्छे तरीके से इसी में मसाले में भून लेंगे टमाटर से, कि हमारे टमाटर जो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसका, और बड़े मज़े की है और वेरी क्विक रेसिपी है। तो आज वैसे मतलब है कि सैटरडे छुट्टी का दिन था और यहाँ पे यूके में मौसम बहुत अच्छा था, और हमने आज पूरा दिन बाहर गार्डन अपने जो है उसमें सफाई वगैरह की, उसको वॉश किया, तो काफ़ी टाइम उस पर लग गया। तो इस वजह से हमने जो है ताकि कोई क्विक रेसिपी हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, और जो जो है मैंने वीडियो अब तक अपलोड यूट्यूब पर नहीं किया, तो मैंने जो है ये बहुत ही क्विक रेसिपी थी। तो आज हमने सोचा कि चलो भाई हम ये टिन वाली फिश बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को ये बहुत अच्छी लगेगी, कि एक यूनिक तो नहीं कहूँगा इसको, कि ये जो है एक अलग किस्म की रेसिपी है, तो अच्छी लगेगी आपको। और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, और हम ये मतलब है कि आज से 35 साल पहले जब आए थे तो फिश की टीम की हमने इसकी बिरयानी भी बना के खाई है। तो उस वक्त ये मतलब है कि ईजी होता था काम से आकर, कि जल्दी से क्या चीज़ बनानी है भाई, ये चलो भाई फिश का ये जो टिन है इसको निकाल लें, इसका या तो हम मतलब है कि रोटी के साथ खा लेते थे, या कभी कभी चावल के साथ जो है हम उसकी बिरयानी बना के मसाला बना के तो उसको बिरयानी की तरह दम दे देते थे, तो बहुत अच्छा बनता था ये। तो आज बहुत ही अरसे के बाद हम ये बना रहे हैं रेसिपी जो है। चले मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। जी तो अब इस स्टेज पे हम जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे और आँच को थोड़ी धीमी करके तो इसको ढक देंगे कोई 3-4 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से पक जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम जो है कवर करके तो अपनी हीट को जो है वो थोड़ा सा धीमे कर लेते हैं। जी देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से, और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा और भूनेंगे और हीट को जो है अभी मीडियम कर लेंगे हम। तकरीबन इसी तरीके से हम इसको जो है 3 से 4 मिनट और अच्छे तरीके से भूनकर तो फिर हम इसमें फिश डाल देंगे। जी माशाल्लाह से देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, साइडों से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसकी मैंने भुनाई बहुत अच्छी की है, और तकरीबन मैंने जो है 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई की है। तो अब इस स्टेज पर हम जो है अपने फिश सॉस के साथ ये हम डाल देंगे, और आपने बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, बस इसी तरीके से आपने ये जिस तरीके से मैंने ये फिश रखी है आपने इसको इस तरीके से, तो अब जो है इसको ये देख सकते हैं। तो हम माशाल्लाह से
दो मिनट और इस तरीके से हल्का सा हीट पर पका कर तो फिर हम इसको डब पर रख देंगे। तो ये देख सकते हैं कि साइड पर ये लगनी शुरू हो गई है हमारी, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मसाला भुना है। तो इसी तरीके से क्योंकि फिश है ये ऑलरेडी, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा जो है हिलाना नहीं है चमचा। अब हीट को हम आहिस्ते करके तो इसको दम पर रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए हम जो है हल्की सी आंच के ऊपर इसको रखेंगे। तो हमारी ये फिश तैयार है जी। हम अब जो है अपनी कसूरी मेथी जो है वो डाल देंगे इस तरीके से माशाल्लाह से। तो हमारा हरा धनिया जो है वो जैसे ही हमारा दम कंप्लीट हो जाएगा तो हम गार्निशिंग पे हरा धनिया एंड में डालेंगे, और साथ ही मैं जो है इसमें लेमन के 1 से 2 कटरे जो है वो डालूंगा। ये बस ये हमने ये लेमन डाल दिया। तो अब मैं जो है तकरीबन 10 मिनट तक इसको बहुत ही हल्की आंच में रखूंगा। तो मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। हमने जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पर रखा था, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा दम आया है और हमारी फिश जो है बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो अब हम आपको खाने का रिव्यू देंगे और ये हम इसको गार्निश कर लेते हैं माशाल्लाह से। और ये हमारी जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो चले हम आपको मिलते हैं रिव्यू पे। अस्सलामुअलैकुम, और अभी रिव्यू का टाइम आ गया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं ये पिल्चर जो है टीन वाली फिश आज मैंने बनाई है, और ये मेरी रेसिपी जो है आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही क्विक और बहुत ही ईजी है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हुई है फिश। और नॉर्मली जो है ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब मैं आपको खाकर बताऊंगा कि इसका टेस्ट किस तरीके से है। और ये देखते हैं, तो अब जो है आप इसको जो है चावल के साथ भी बॉईल के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो मैंने जो है रोटी के साथ खा रहा हूं आज माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी रोटी है, ब्राउन देख सकते हैं आटा है। तो ये देख सकते हैं फिश, बहुत ही माशाल्लाह नाइस टेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं फिश को। तो ये रेसिपी जिस तरीके से मैंने बनाई है बहुत इजी है और क्विक है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और टेस्ट इसका बहुत मज़े का है। और मुझे ये जो है बहुत अच्छी लगी है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खुशबू भी आया है इसकी, जो मैंने मसाले जिस तरीके से इसमें यूज़ किए हैं। और आप इसको जो है, मैंने वेजिटेबल ऑयल में बनाया है, तो आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन है। तो मुझे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगा है माशाल्लाह से, कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको मेरे ये जो रेसिपी है अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है उसको आप शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।